नमस्कार, एके इलेक्ट्रिकल एचवीसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग फोटो सेल के बारे में जानेंगे। तो फोटो सेल क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है, ठीक है, ये फोटो सेल है। ठीक है, अब फोटो सेल क्यों लगाया जाता है, यानी कि किसी भी लाइट को बिना कोई भी आदमी गए उसको ऑन और ऑफ किया जा सकता है, इसलिए फोटो सेल लगाया जाता है। यानी कि ज़्यादातर मान लीजिए कि कहीं भी आप रोड पे देखे होंगे, ब्रिज पर देखे होंगे, कहीं भी, या स्ट्रीट लाइट जिसको मतलब कई प्रकार के लोग, जैसे कहीं बाहर में पार्क में लाइट लगाया जाता है जिसको कोई भी पर्सन जाके उसको बंद ना करे, वो रात में अपने आप जले और दिन में अपने आप बंद हो, ठीक है, उसके लिए फोटो सेल लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो सब्सक्राइब करके हमको आपको अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि फोटो सेल जो होता है सिर्फ जो है लाइट को मतलब ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने के लिए लगाया जाता है, जो कि दिन में ऑफ हो और रात में ऑन हो। ठीक है, जहाँ कि मान लीजिए कोई भी लाइट आपको जलाना रहता है तो आप जाके उसको ऑन करते हैं, ठीक है, और फिर मॉर्निंग टाइम में उसको बंद करते हैं। लेकिन जहाँ ये फोटो सेल लगा रहता है वहां पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा कि रात में जल जाएगा और दिन में जो है ऑफ हो जाएगा। उसी का ये फोटो सेल का वायरिंग डायग्राम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये फोटो सेल का वायरिंग डायग्राम बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो ऊपर में लगा हुआ है ये फोटो सेल है, ठीक है, जो कि स्टैंड में रहता है। ठीक है ना, स्टैंड में जब किसी भी चीज को रखने के लिए स्टैंड होता है तो फोटो सेल का भी स्टैंड होता है, वो स्टैंड में फिक्स रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा 1000 का जो है बल्ब है। ठीक है, चाहे बल्ब जलाइए फोटो सेल से, चाहे ट्यूबलाइट जलाइए, चाहे जो भी लाइट आपको जलानी है वो आप जला सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल और ये हमारा कॉन्टेक्टर, ठीक है, जिसमें 3 फेस होते हैं। ये जो है हमारा फ्यूज, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज है, और यहाँ पर जो है हमारा फेस अर्थ न्यूट्रल, ठीक है ना, फेस अर्थ और न्यूट्रल यहाँ पर सप्लाई है। ठीक है ना, ये सिंगल फेस यानी कि 220 वोल्ट के सप्लाई का हम वायरिंग किए हुए हैं, ये सप्लाई 220 वोल्ट ही फोटो सेल में, जैसे किसी भी लाइट को आप जलाएंगे तो आप उसमें 220 वोल्ट का ही सप्लाई देंगे, चाहे वो ट्यूबलाइट जलाएं, चाहे 1000 का जलाएं, चाहे 500 वाट का जलाएं, जो भी आपको जलाना है, चाहे आप 400 वाट का जलाएं, ठीक है, तो उसमें जो है फोटो सेल के थ्रू पावर सप्लाई कैसे दिया जाता है ये हम लोग जानेंगे। देखिए फोटो सेल में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लाइट को अगर आप जाते हैं जो बाहर स्ट्रीट पर लगे हुए है या खंभे पर लगा हुआ है या पार्क में लगा हुआ है, तो उसको ऑन करने के लिए तो एक आदमी जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन जाएगा तो जाके स्विच को ऑन करेगा तो वो लाइट ऑन होगी, और उसको जाके बंद करेंगे तो वो बंद होगी। लेकिन जब ये फोटो सेल लग जाता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अगर नाइट यानी कि रात होगा तो वो जलेगा और दिन होगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फोटो सेल अगर इंस्टॉल आप करते हैं कहीं भी, तो उसको टेस्ट करने के लिए, फोटो सेल इंस्टॉल करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए, तो रात का तो वेट करेंगे नहीं, तो दिन में ही उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, दिन में उसको टेस्ट किया जाता है, यानी कि कोई भी ब्लैक कलर का जो है पॉलिथीन होगा, चाहे उसको हाथ से ही ऐसे, चाहे मतलब उसको फोटो सेल को ऐसे अंधेरे में कर दिया जाएगा तो लाइट हमारी ऑन हो जाएगी, तो फिक्स करने के बाद ऐसे टेस्ट किया जाता है। अब इसका वायरिंग डायग्राम कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो फोटो सेल में देखिए 3 वायर होते हैं। ठीक है, पहला एक ब्लैक कलर का, ब्लैक, और दूसरा व्हाइट, और तीसरा रेड, यानी कि 3 कलर का होता है। लेकिन मतलब यहाँ पर सप्लाई हम 3 कलर से ब्लैक, व्हाइट और रेड ही दिखाए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कलर चेंज भी हो, लेकिन सप्लाई ऐसे ऐसा ही इसमें कलर कोड रहता है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही कलर कोड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले फेस को ले चलते हैं, किसमें, ब्लैक में, ये ब्लैक में हम फेस दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी ये फ्यूज के थ्रू, फ्यूज लगा के उसके बाद से हम फेस दिए हुए हैं। ये न्यूट्रल जो है हमारा, न्यूट्रल
सीधा हमारा बल्ब में जा रहा है। देखिए अब बल्ब के पास आइए, ये बल्ब जो हम बनाए हुए हैं ठीक है 1000 वाट का, ठीक है ये थ्रेडिंग सिस्टम है। तो थ्रेडिंग सिस्टम में जहाँ थ्रेड रहता है वहां पर न्यूट्रल रहता है और ऊपर वाले पे फेस रहता है, ठीक है ये फेस है। और यहाँ पर ये न्यूट्रल का सप्लाई दिया जाता है और ये फेस का सप्लाई है, ठीक है। तो सीधा जो है हमारा न्यूट्रल जो है हमारा जो बल्ब में आके जुड़ता है, ठीक है। और फेस जो है, फेस सीधा ये जो देखिए ये आर को लोड के तरफ लगाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आर को लोड के तरफ लगाया जाता है, ये फेस हमारा बल्ब में आ रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू जो है हम न्यूट्रल का सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से फोटो सेल में फेस दे दिए हैं ब्लैक पर, ठीक है ना, और न्यूट्रल दे दिए हैं व्हाइट पर। यहाँ पर दो वायर का काम कंप्लीट। और तीसरा जो है ये जो रेड है यानी कि लोड का वायर बोलते हैं, तो वो जो है सीधा हम आपको बल्ब में दे दिए हैं, ठीक है ये बल्ब में दे दिए हैं। बल्ब में भी फेस और न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का हम आपको डायरेक्ट बताएं कि सीधा बल्ब में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो ऐसा सिस्टम से ये फोटो सेल का वायरिंग डायग्राम है, ठीक है। और फोटो सेल में हम एक कॉन्टेक्टर क्वाइल लगाए हुए हैं, ठीक है कॉन्टेक्टर क्वाइल लगाए हुए हैं, और उसी कॉन्टेक्टर क्वाइल का सप्लाई ये लोड की तरफ है, ठीक है ना लोड की तरफ। और यहाँ पर A1 पर जो है हमारा फेस है और A2 से हम न्यूट्रल दिए हुए हैं। देखिए दिन में ऐसा नहीं है कि इसका सप्लाई कट जाता है, ठीक है हमेशा जो है न्यूट्रल और फेस हमेशा फोटो सेल में रहता है, ठीक है हमेशा फोटो सेल में रहता है। और क्या होता है फोटो सेल में एक रिले होता है, ठीक है फोटो सेल रिले के थ्रू काम करता है। तो एक रिले अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब रात होगा तो रिले जो है सप्लाई जो है जैसे न्यूट्रल तो डायरेक्ट है और सप्लाई जो है रेड को ये सप्लाई देना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो जब रेड को सप्लाई देगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर जो है एनर्जाइज करेगा, हमारा लाइट जल जाएगा। एनर्जाइज करेगा तो क्या होता है कॉन्टेक्टर आपस में टच हो जाते हैं, ठीक है ये कॉन्टेक्टर कॉइल जब पावर को एनर्जाइज करेगा तो जो है हमारा ये क्या होगा जो एनो रहता है उसको वो एनसी बन जाता है, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो है ये सप्लाई देना शुरू कर देता है। अब देखिए हमेशा जैसे कहने का मतलब कि स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है तो सब में तीन फेस और एक न्यूट्रल ठीक है रहता है। तो मान लीजिए कि एक फेस और एक न्यूट्रल, जैसे मान लीजिए कि ये तीन फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल का सप्लाई हो गया, तो ये एक फेस न्यूट्रल और एक फेस को हम किसी भी लाइट में देंगे तो ये 220 वोल्ट का सप्लाई होगा, यानी कि इसको मेजर भी करते हैं वो फेस वो न्यूट्रल तो 220 वोल्ट का सप्लाई देगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अब एक से ज्यादा अगर लाइट लगाते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि जितना लाइटें हैं उतना फोटो सेल लगाया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हमारा ये कॉन्टेक्टर कॉइल जो है क्या होता है उसके लिए लगा दिया जाता है कि सबको मतलब एक फोटो इस फोटो सेल पर लोड ना पड़े, क्योंकि फोटो सेल जो होता है 5 एम्पियर का भी होता है और 10 एम्पियर का ही होता है, ठीक है ना ये 2 ही एम्पियर में फोटो सेल आपको मिलते हैं। तो उसमें एक से ज्यादा लगाने के लिए 1, 2, 5, 10 जो भी लगाएंगे तो उसके लिए हम उसके जैसे लगाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर लोड के हिसाब से हम कॉन्टेक्टर भी लगाएंगे कि हमारा जितना लोड है जैसे लाइट का लोड का कैलकुलेशन कर लेंगे उसी प्रकार से इसको लगाएंगे। अब देखिए मान लीजिए कि फोटो सेल हमारा खराब हो गया, ठीक है ना फोटो सेल में प्रॉब्लम भी आती है, मान लीजिए कि खराब हो गया तो पूरा रूट तो पूरा लाइट जो है अंधेरे में तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है हम एक और उसमें जैसे क्या होता है कि उसमें एक और सिस्टम हम लोग उसमें जोड़ देते हैं जिसको क्या बोलते हैं सेलेक्टर स्विच, ठीक है ना। तो सेलेक्टर स्विच में अगर ऑटो और मैनुअल, ठीक है दो में होता है एगो ऑफ होता है एगो ऑटो एगो मैनुअल। तो ऑटो में रहेगा तो मान लीजिए कि फोटो सेल एनी टाइम काम कर रहा है तो नाइट हुआ यानी कि रात हुआ तो लाइट जलेगी, ठीक है अगर दिन हुआ तो बंद होगी, लेकिन अगर फोटो सेल खराब हो गया तो ना जलेगी ना बंद होगी, ठीक है जलेगी नहीं तो बंद कहाँ से होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको क्या किया जाता है कि जैसे उसको ऑटो में जैसे रहता है तो फोटो सेल सही रहता है तो ऑटो में रखते हैं और उसको क्या करेंगे कि मैनुअल में कर देंगे, ठीक है ना। तो मैनुअल में कर देंगे तो मैनुअल से सप्लाई हमारा जैसे न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा फेस जो है हमारा मैनुअल से होके उसको मिलेगा, ठीक है। तो
मैनुअल और ऑटो पर कैसे मतलब काम करता है ये फोटो से, तो उसके लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एकदम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत पहुँचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।